हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रानीज किचन। आज मैं आपसे पकोड़े की रेसिपी शेयर करूंगी, बैगन का पकोड़ा, जो बहुत ही हम क्रिस्पी और क्रंची बनाएंगे। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर रखा हो तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दो बैगन हमने ले लिया है, इसको बहुत ही अच्छे से धुल लिया है। बैगन नहीं, बहुत बड़ा है, मीडियम साइज का हमने लिया है। अब इसको यूं कट कर देंगे, बीच से एक कट करेंगे, उसके बाद इतनी पतली पतली स्लाइस काट के रख लेंगे। अब इसको एक बाउल में हम डालेंगे। अब इसके ऊपर चुटकी भर, एकदम चुटकी भर नमक हम इसको डाल देंगे और इसको अच्छे से यूं मिला लेंगे। अब हम बैटर तैयार करेंगे। उसके लिए ये 2.5 कप बेसन, ये 4 स्पून चावल का आटा, 1/2 स्पून लाल मिर्च पाउडर, ये 1/2 स्पून कलौंजी, 1/2 स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 स्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें, हमने बैगन में भी नमक डाला है। ये 1/2 स्पून अजवाइन ऐड कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से एक स्मूथ सा बैटर हम तैयार कर लेंगे। बैटर को बहुत ही अच्छे से मिक्स करना होता है, यानी फेंटना होता है काफी। जितना आप अच्छे से मिक्स करेंगे पकौड़ा उतनी ही क्रिस्पी और क्रंची बनेगा। अब इसकी कंसिस्टेंसी मैं दिखाना चाह रही हूँ आपको, ये देखिए। पैन में तेल हमने गरम होने के लिए रख दिया है। तेल ये गर्मा गर्म 2 स्पून तेल हम इसमें डाल देंगे बैटर में। उसको फिर से मिक्स कर देंगे। क्रिस्पी पकोड़े का ये भी एक सीक्रेट है। बैगन को उठाएंगे, बैटर में डिप करेंगे, इसको थोड़ा सा झाड़ देंगे और सीधे तेल में डिप कर देंगे। अब चेक कर लेते हैं पकोड़े गोल्डन हो रहे हैं कि नहीं। नीचे से ये देखिए गोल्डन होने लगे हैं। अब सबको हम पलट लेंगे। पकोड़े दोनों साइड से गोल्डन हो चुके हैं। अब इन सबको हम धीरे धीरे निकाल लेंगे। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। दोस्तों, इस रेसिपी को आप घर पे जरूर ट्राई करें और अपने फोटोज और वीडियोस मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। फिर एक और सिंपल, टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के साथ मिलते हैं। थैंक यू।